दोस्तों अपने भारत देश में एक चीज बहुत मशहूर हो रही है भाई, तंदूरी कुल्हड़ पिज्जा। और इसी कड़ी में बहादुरगढ़ में शुरुआत कर दी है भाई कुल्हड़ पिज्जा की। तो आज हम देखेंगे कुल्हड़ पिज्जा कैसे बनाया जा है और इसमें किन किन चीजों का प्रयोग हो है। तो भाई सबसे पहले ये भैया की दुकान है, ये देखो जहाँ पे शुरुआत हुई है कुल्हड़ पिज्जे की। और मेरी फैमिली भी आ रही है, मेरी फैमिली ने आज तक कुल्हड़ पिज्जा खाया नहीं है, तो आज इनको भी मैं कुल्हड़ पिज्जे का स्वाद जो है चखाऊंगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप भाई ने कराया है और अभी भाई से पूछते हैं कि भाई कुल्हड़ पिज्जे में किन किन चीजों का प्रयोग होता है। भाई साहब नमस्कार, और क्या नाम आपका? महेश। तो भैया इसमें क्या क्या चीज यूज करी जाए कुल्हड़ पिज्जे में? बेबी कॉर्न डलता है, ये मसाला है उसका। क्या क्या चीज है? बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, शिमला मिर्च है, प्याज है और पनीर है। इसमें ब्रेड होता है, ब्रेड। हाँ अच्छा, गार्लिक ब्रेड जो होता है वो होता है, गार्लिक ब्रेड भी इसमें होगा। हाँ जी हाँ जी, वो यूज किया जाता है बेस की जगह पे। तो भाई ये तो मसाला हो गया कुल्हड़ पिज्जे का जी। और अभी भाई बताओगा कि किस तरह से वो तैयार किया जाता है। ये देखो भाई, ये एक मिट्टी का सकोरा है दोस्तों, और सकोरे के अंदर ये मसाला डाल दिया भाई ने इस तरह से। मसाला डालने के बाद दोस्तों ये क्या चीज है भाई? ये चीज है जी, ये चीज है भाई, देखो मोजोरोला चीज होती है, मोजोरोला चीज। तो भाई ये जो चीज है ये बहुत अच्छा होगा क्वालिटी में, इसकी क्वालिटी आप लोग देख सको। तो ये चीज डाल दिया भाई इसके अंदर, ये देखो पहले मसाला डाल दिया, काफी सारी सब्जी है मसाले में, और ऊपर से एक बार फिर मसाला डाल दिया भाई। और इस तरह से ये जो मिट्टी का सकोरा है वो पूरा भाई ने भर दिया है, ये देखो। और भाई बहादुरगढ़ के जो वासी हैं तो उनके लिए ये खुशखबरी है दोस्तों कि आपके शहर में भी कुल्हड़ पिज्जा शुरू हो गया है। अभी इसने भाई बनाऊंगा और फिर मैं अपने स्वाद भी बताऊंगा इसका कैसा है। तो ये देखो एक बार चीज अंदर डाल दिया, और दूसरी बार जो चीज है भाई मोजोरेला चीज, ये उसके ऊपर भी बहुत सारा भाई ने लगा दिया। तो पिज्जा भाई अपना बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो ये देखो भाई यहाँ पर तंदूर है, ये इस तरह का तंदूर है, और ये तंदूर में लगा दिया दोस्तों। देखो जो मिट्टी का सकोरा है, भाई ने ग्रिल बना रखी है ताकि सकोरा नीचे ना जा, और इसकी आंच भी बहुत तेज है भाई। तो कितनी देर में भैया तैयार हो जाएगा ये? 10 मिनट में 8 मिनट से 10 मिनट में 10 मिनट में भाई अपना कुल्हड़ पिज्जा तैयार हो जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं इसका स्वाद। हाँ तो भाई साहब और क्या क्या सामान मिलता है कुल्हड़ पिज्जे से अलग? चिल्ली पोटैटो, चाउमीन, मोमोज, चाइनीज आइटम सारे रखते हो आप? और सारे पिज्जे होते हैं अपने पास, पिज्जे सारे हों आपके पास जी। तो भाई वैसे पिज्जे भी आपने भाई के पास मिल जाएंगे, बेस वाले भी मिलते हैं, सारे पिज्जे सारे मिल जाएंगे आपको जी। हाँ जी मैडम, कुल्हड़ पिज्जा खाया कभी? नहीं, आज पहली बार खाऊंगी और बनाना भी सीखूंगी, फिर अपने घर पर ट्राई करूंगी। घर पर जरूर बनाइए, ठीक है ना? देवराज आपने खाया है? आज पहली बार खाऊंगी, पहली बार। तो भाई मेरे बच्चे ने भी नहीं खाया है और मुन्ने भी नहीं खाया दोस्तों आज तक। छोटे लाल आपने कहीं खाया है कुल्हड़ पिज्जा? आज पहली बार टेस्ट करोगे। तो अभी हमारे साथ मंजीत भाई आए हैं, मंजीत भाई ने इसका टेस्ट ले लिया है। तो भाई साहब कैसा पिज्जा लगा आपको? बहुत अच्छा भैया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और बहादुरगढ़ में शायद पहली बार कुल्हड़ पिज्जा शुरू होया? बढ़िया, स्वादिष्ट, बहुत। बार खाओ तो बार बार खाओगे? बार बार खाओगे, क्या बात है। दोस्तों दुकान पे भाई की पाओगे आप तो बैठने के लिए देखो बहुत अच्छा इंतजाम भाई ने कर रखा है। आज थोड़ी बारिश आ रही थी तो इसलिए आपने पानी दिखाई देता होगा, बैठने का भी अच्छा इंतजाम है और आप पैक करवा के भी ले जा सको। तो दोस्तों नीचे जो मसाला है वो सारा तंदूर में पकेगा, और ऊपर जो चीज आपने दिखाई दे ये भाई देखो गैस से इसको मिंट करेंगे, और ये भाई गैस जला लिया, और ये देखो भाई यह एक अलग चीज है दोस्तों। दोस्तों 10 मिनट में हमारा कुल्हड़ पिज्जा बिल्कुल तैयार हो गया है भाई। और पिज्जा को उठाने के लिए दोस्तों देखो ग्लव्स पहना है भाई ने, क्योंकि काफी गर्म है ये, और इस तरह से ये उठा लिया भाई और ये रख दिया यहाँ पर। दो गिलास ले लिए भाई ने और गिलास के अंदर ये सेट कर दिया है पूरा, तो बहुत शानदार दिखाई दे भाई। अभी इसके ऊपर दोस्तों ये थोड़ी सी ओरिगैनो डाल दी स्वाद बढ़ाने के लिए, और ये लगा दी चम्मच भाई। तो साथियों पिज्जे की प्राइस की मैं बात करूं तो 100 रुपये इसका प्राइस है। और भाई साहब आप फ्रूट पिज्जा ही बोल रहे हो, वो कब से शुरू होगा? अभी 15 से 20 दिन में फ्रूट पिज्जा भी चालू कर देंगे। फ्रूट पिज्जा भी चालू कर दो? वेजिटेबल है अभी, वेजिटेबल है। तो जल्दी भाई आपने दुकान पे फ्रूट पिज्जा ही मिल लगा। तो दोस्तों इसका एड्रेस देख लो भाई, सेक्टर 7 नियर HPCL फ्लैट मैन रोड बहादुरगढ़। और ये इस तरफ देवीलाल पार्क को गया, इस तरफ गया झज्जर को, हम सेक्टर 6 में मौजूद हो ना भाई साहब? सेक्टर 6 और 7 के
बीच में, बीच वाले रोड पे जो ताऊ देवीलाल पार्क वाला रोड है साथियों, ये मंडी वाले रोड के बराबर में। हाँ, मंडी वाले रोड पे आओगे आप तो लेफ्ट में हो जाइयो, जजर की तरफ थोड़ा चलती आपने या शॉप मिल जाएगी। तो भाई सबसे पहले घर वाली चेक करेगी सोनू, देख कैसा बना है। और ये देखो भाई चीज किस तरह से ऊपर उठा, पूरा बहुत ही अच्छा चीज इसमें डाला भाई ने, मोजोरेला चीज जो है ओरिजिनल। नॉर्मल पिज्जा खा रहा हूं तो बहुत बढ़िया पिज्जा, अच्छा है, काफी सारी सब्जियां हैं। हां सारी सब्जियां, टेस्ट भी बहुत अलग है उन पिज्जा का, अलग तंदूर का स्वाद आया इसमें। हां तंदूर का, और जो मिट्टी का सकोरा है साथियों इसकी बात ही अलग हो है, क्योंकि मिट्टी की भी महक जो है पिज्जे में आ रही है। तो अभी भाई बच्चे चेक करेंगे और मेरा छोटा लाल चेक करेगा, 100 रुपए का भाई कुल्हड़ पिज्जा है दोस्तों। बहादुरगढ़ के जितने भी साथी हैं तो एक बार आइयो यहाँ पे खा के देखियो, आपने बहुत अच्छा लगेगा, काफी सारी वेजी हैं इसमें। तो ये था भाई कुल्हड़ पिज्जा दोस्तों, वीडियो ने शेयर करियो साथियों ज्यादा से ज्यादा। टेस्टी है छोटे, हाँ भाई देवराज बढ़िया है, अच्छा है। हाँ। चलो बेटे खा ले।